इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तान की चालें हैं और मोहरा बन गया है तालिबान। जी हां, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर यह बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। तालिबान ने नई सरकार के गठन की कवायद तेज कर दी है और उसके लिए तालिबान ने न्योता भेजना भी शुरू कर दिया है। तालिबान ने नई सरकार के शपथ ग्रहण पर 6 देशों को न्योता भेजा है। तालिबान की तरफ से टर्की, कतर, ईरान, रूस, चीन और पाकिस्तान को न्योता दिया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सरकार गठन पर कवायद बहुत तेज है और तालिबान सरकार जल्द बनाएगी और तालिबान ने जिन 6 देशों को न्योता दिया है उनमें टर्की, कतर, ईरान, रूस, चीन और पाकिस्तान शामिल हैं। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, रशिया और अगर चाइना की बात की जाए तो वो पहले से ही सीधे तौर पर तो भले ही नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा अब समझ में आता है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान लगातार तालिबान को अपने इशारे पर चला रहा है, ये तस्वीरें भी साफ हो रही हैं। तालिबान के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो था पंजशीर प्रांत। अब तालिबान ने इसे भी जीतने का दावा किया। सबूत के तौर पर एक वीडियो पेश किया गया है जिसमें पंजशीर के गवर्नर हाउस पर तालिबानी झंडे को लगाया जा रहा है। हालांकि इस गवर्नर हाउस में अभी भी नॉर्दर्न अलायंस के फाउंडर अहमद शाह मसूद की तस्वीर लगी हुई है। हालांकि पंजशीर को तालिबान से बचाने की जद्दोजहद में जुटी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स यानी NRF ने जंग जारी रहने का दावा किया है। इस बीच तालिबान के कब्जे वाले काबुल से ऐसी तस्वीरें आई जो बहुत कुछ बयां कर रही है। काबुल के कॉलेज में अब लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा लगा दिया गया है, यानी लड़कियों से भेदभाव का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ महिलाओं ने हिम्मत भी दिखाई, सड़कों पर भी उतरी, नई सरकार में हिस्सेदारी की मांग भी की, लेकिन इस मांग को कौन सुनेगा और किस हद तक सुनेगा ये एक अहम सवाल है। अफगानिस्तान से जुड़ी हुई 10 लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता देते हैं एक एक करके। पहली खबर तो यही कि देश में तालिबान सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है और तालिबान ने 6 देशों को शपथ ग्रहण का न्योता भेजा है जिसमें टर्की, कतर, ईरान, रूस, चीन और पाकिस्तान को न्योता भेजा गया है। तालिबान ने चीन और पाकिस्तान को अपना करीबी पार्टनर बताया है। तालिबान ने पंजशीर प्रांत पर भी कब्जे का दावा किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स की मदद से पंजशीर में हवाई हमले किए गए। पंजशीर के गवर्नर हाउस पर तालिबान ने झंडा लगा दिया गया है। तालिबान ने अफगानिस्तान में जंग के खात्मे का ऐलान किया लेकिन NRF ने तालिबान के खिलाफ जंग जारी रखने की बात कही है। इन सबके बीच पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह के देश छोड़ने और अहमद मसूद के अंडरग्राउंड होने की भी खबर है। अब इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। टर्की, ईरान और कतर को न्योता देना और पाकिस्तान को न्योता देना ये तो हम पहले से ही समझ रहे थे कि ये होगा, लेकिन चीन और रशिया को लेकर हम स्टैंड जानना चाह रहे हैं कि अभी तक तालिबान का स्टैंड क्या रहा और इन दो देशों का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में कितना बड़ा है। मीनाक्षी, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि चाहे बैकडोर हो या ओपनली हो, पाकिस्तान ने तालिबान की पूरी मदद की है और अफगान गवर्नमेंट को पूरी तरह से ध्वस्त करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी का रहा तो वो है केवल और केवल पाकिस्तान। साथ में नया जो ब्लॉक फॉर्म हुआ है जिसमें टर्की, साथ में ईरान और चाइना के साथ रशिया बिहाइंड द डोर है, तो ये नया ब्लॉक है और जो लाइक माइंडेड के तौर पर इस समय तालिबान को लेजिटिमाइज करने की पूरी कवायद में जुट गया है और यही वजह है कि इस समय जो इनिशियल न्योता है इनको गया हुआ है। लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात है तो इसलिए तालिबान इस गवर्नमेंट को अपने लेवल पे फॉर्म करेगा, लेकिन उसके बावजूद ये हमें बताया जा रहा है टॉप सोर्सेस के द्वारा कि आने वाले टाइम पे इक्वेशन चेंज होगी, यानी अगले एक हफ्ते में जब गवर्नमेंट फॉर्म होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो उस दौरान ये चेंज होगा, लेकिन DAG ISI का प्रेजेंस भी अपने आप में इक्वेशन को चेंज करता है। मीनाक्षी, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने डिस्क्रिमिनेशन की बात की, इस समय तालिबान की नज़र से जो महिलाएं हैं उनको काफी डाउन ग्रेड होकर देखा जा रहा है और इसीलिए चाहे वो ब्यूटी सैलॉन्स हों या उसके अलावा मॉल्स हों, वहाँ पे जितनी भी फोटोज थी महिलाओं की सबकी फोटोज को तालिबान के राज में अफगानिस्तान में पढ़ाई कैसे होगी इसकी तस्वीरें सामने आ गई है। आज काबुल में इब्न सिना यूनिवर्सिटी का पहला दिन था, क्लास शुरू हुई तो अंदर पर्दा लगा हुआ दिखाई दिया। ये पर्दा छात्र और छात्राओं के बीच लगाया गया था, लड़के लड़कियों को अलग अलग बिठाया गया था और सभी लड़कियां हिजाब में थी। ये तस्वीरें आप देखिए,
अभी तो ये एक ही तस्वीर है, ऐसी कई सारी और तस्वीरें एक एक करके अफगानिस्तान से सामने आएगी, क्योंकि अब अफगानिस्तान में तालिबान का राज हो गया है और तालिबान तो महिलाओं की पढ़ाई, महिलाओं का रोजगार इसी की खिलाफत करता था। और अब जब महिलाएं पढ़ने के लिए यहाँ पर कॉलेज पहुंची हैं तो ना सिर्फ वो हिजाब में हैं, बुरके में हैं, बल्कि साथ ही ये पर्दा भी लगा हुआ है। तालिबान राज में महिलाओं पर जुल्म कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब की बार महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा भी खोला। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ शहर में दर्जनों महिलाएं सड़क पर उतरी, तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। महिलाएं हाथ में पोस्टर लेकर सड़क पर नारेबाजी कर रही थी। इन महिलाओं का कहना था कि सरकार में उन्हें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक चिंगारी भर है, ये विरोध की एक चिंगारी भर है। अब ये विरोध की चिंगारी क्या आग में तब्दील होती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि मज़ार शरीफ में जो इन महिलाओं की संख्या आप देख रहे हैं वो संख्या में तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप सोचिए अफगानिस्तान की आधी आबादी को दब कर रहना शायद मंजूर ना हो। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सरकार में हिस्सेदारी की मांग ये महिलाएं कर रही हैं, लेकिन डर इस बात का लगता है कि कितनी बातें सुनी जाएंगी और महिलाओं के अधिकारों की क्या वाकई में सुध लेता भी है तालिबान, क्या उसे मतलब भी है? मीनाक्षी, ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल अलग है। तालिबान पोस्टिंग करने की बात कर रहा है, चाहे उनके जबिल्ला मुजाहिद हो, सुहेल शाहीन हो, अब्दुल गनी बरादर हो, वो कह रहे हैं महिलाओं को भी विकास और विकसित करने का पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल अलग है। मॉल के अंदर जो तस्वीरें हैं महिलाओं की उनको हटा दिया गया, साथ में जो ब्यूटी सैलॉन्स हैं जहाँ पे पोस्टर्स लगे हुए हैं महिलाओं के उनको पूरी तरीके से पेंट कर दिया गया, उसके अलावा जो क्लासरूम्स हैं वहाँ पे पर्दा सिस्टम इंक्रीज किया गया और वहाँ पर पर्दा लगा दिया गया ताकि कोई भी उनको देख ना सके। उसके बाद उनको कहा गया कि वो ब्लैक या फिर ब्लू बुरका पहन कर ही निकले और पूरे कवर्ड होकर निकले। तो ये जो है वो बताता है कि तालिबान अपने उसी ढर्रे पर है जिसमें 90 में था, बिल्कुल उसी ढर्रे पर है। और मैं क्यों आपकी बात को की गवाही एक तस्वीर भी देगी, वो तस्वीर आप दिखाते हैं हम दर्शकों को। मज़ार शरीफ से तालिबानियों का एक क्रूर चेहरा सामने आया आज जब महिलाएं सड़क पर उतरी थी, प्रदर्शन कर रही थी। उसी वक्त कुछ जर्नलिस्ट भी कवरेज के लिए वहां पर पहुंचे थे और तभी तालिबानी आतंकवादियों ने बंदूक का भय दिखाकर उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की। आप तस्वीरों में देखिए कैसे गन पॉइंट पर लेकर पत्रकारों को डराया गया है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं और जिस बात का जिक्र मनीष प्रसाद कर रहे थे कि महिलाओं के अधिकारों की आवाज़ भले वहां पर उठनी शुरू हो गई है, लेकिन तालिबान अब ये 90 के दशक का तालिबान नहीं है, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, थोड़ी क्या बल्कि आप ये समझिए जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बता रही हैं कि तालिबान बदला नहीं है, ये वही तालिबान है जो पहले था। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, तालिबान से जुड़ा हुआ एक और लेटेस्ट अपडेट आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।